कंगना की संपत्ति की जानकारी जैसे ही बाहर आई वैसे ही शाहरुख सलमान खान का सिर चकराया। फिल्म लगातार फ्लॉप तो फिर कंगना कैसे बनी अरबपति? पहाड़ी लड़की का LIC कनेक्शन क्या है? किसी के पास 1300 करोड़ तो किसी के पास 100 करोड़। नेताओं की संपत्ति सुन जनता भी हैरान। फिल्मी पर्दे की झांसी की रानी हो या उद्योगपति नवीन जिंदल या ऐसे न जाने कितने उम्मीदवार जिनकी संपत्ति का ब्यौरा सुन के जनता का सिर चकरा जाता है। BJP उम्मीदवारों में जिनकी खूब चर्चा हो रही उनमें कई नाम है। सबसे पहला नाम झांसी की रानी कंगना की बात करते हैं। कंगना रनौत BJP की फायर ब्रांड नेता है। ज्यादातर लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि कंगना रनौत अगर चुनाव हार जाएंगी तो क्या करेंगी, फिल्म तो चलती नहीं तो फिर कहीं नौकरी करना पड़ेगा, तो उनकी गलतफहमी अब दूर हो जाएगी। कंगना रनौत के पास कुल 50 LIC की पॉलिसी है जो उन्होंने साल 2008 में खरीदी थी। कंगना ने LIC में कम से कम 5 करोड़ की संपत्ति निवेश की है। रनौत की चल संपत्ति 28 करोड़ 73 लाख रुपए है, जिसमें 5 करोड़ 48 लाख रुपए की 3 शानदार कारें हैं। 53,000 रुपए की कीमत वाला एक वेस्पा स्कूटर भी शामिल है। उनके पास कुल 6.7 किलो सोना है, 60 किलोग्राम चांदी है और 14 कैरेट हीरे शामिल है, जिसका मूल्य 8.5 करोड़ रुपए आंका गया है। एक कंपनी है जिसका नाम है मणिकर्णिका फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और मणिकर्णिका स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। उनके पास 1.2 लाख रुपए मूल्य के शेयर है। उन्होंने अपने भाई अक्षत रनौत सह निर्देशित मणिकर्णिका फिल्म्स को 40 लाख रुपए का कर्ज दिया है और उन्हें 70.98 लाख रुपए का अलग कर्ज दिया है। इसके अलावा उनके पिता मणिकर्णिका स्पेस के निदेशक को उनसे 28.7 करोड़ रुपए का कर्ज मिला है और उनकी बहन रंगोली रनौत को 5.1 करोड़ रुपए का कर्ज मिला है। रनौत की 62 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। चंडीगढ़, कुल्लू और मुंबई में घर खरीदे जिनकी कीमत 28.95 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र में एक फ्लैट, हिमाचल प्रदेश में एक घर भी शामिल है जिसकी कुल कीमत लगभग 31.5 करोड़ रुपए है। कंगना रनौत ने कम उम्र में ही अभिनय और मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। चंडीगढ़ के DAV मॉडल स्कूल से उन्होंने 2003 में 12वीं की परीक्षा पास की थी। कहते हैं कंगना की ये वो संपत्ति है जो उन्होंने दिखाई है। दावा किया जा रहा है कि उनके पास इससे कहीं ज्यादा भी संपत्ति है। जबकि BJP उम्मीदवार नवीन जिंदल की संपत्ति जानकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। BJP ने उद्योगपति नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। जिंदल ने हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़कर BJP का दामन थामा। वो 2004 और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। 2014 में वो हार गए थे जबकि 19 में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। नवीन जिंदल बड़े उद्योगपति हैं और जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन। नवीन जिंदल का जन्म 9 मार्च 1970 में हुआ। उनकी माँ सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला है। उनके बड़े भाई सज्जन जिंदल JSW ग्रुप के चेयरमैन है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक नवीन जिंदल हरियाणा में BJP के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। जानिए कितनी है नवीन जिंदल की नेटवर्थ। चुनावी हलफनामे के मुताबिक नवीन जिंदल और उनके परिवार की चल संपत्ति करीब 1230 करोड़ रुपए है। नवीन जिंदल के पास तकरीबन 887 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनकी पत्नी शालू जिंदल के पास 114.61 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है, जबकि बाकी परिवार की संपत्ति 229 करोड़ रुपए है। नवीन जिंदल और उनकी पत्नी के पास 19.8 किलो सोने के गहने जिनकी कीमत 41 करोड़ रुपया की गई है। हलफनामे के मुताबिक नवीन जिंदल की अचल संपत्ति की वैल्यू 11.5 करोड़ रुपए है। 2018-19 के ITR के मुताबिक जिंदल की टोटल इनकम 11.23 करोड़ रुपए थी, जो 2022-23 में बढ़कर 74 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन नवीन और उनकी पत्नी के नाम पर कोई गाड़ी नहीं है, तो आप बताइए कंपनी की संपत्ति कम है या ज्यादा? और रही बात नवीन जिंदल की, तो वो उद्योगपति हैं, उनकी संपत्ति कम है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि इतना पैसा तो मुकेश अपने बेटे की शादी में खर्च कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।